शुक्रवार 16 फरवरी को चंपई सोरेन सरकार में कैबिनेट एक्सपेंशन हुआ, जहां की जेएमएम के 5 और कांग्रेस के 3 विधायकों ने मंत्री पद की शपथ ली। दूसरी तरफ ये भी देखा गया कि कांग्रेस में विधायकों में कुछ नाराजगी देखी गई, उस पर हम बाद में चर्चा करेंगे। लेकिन पहले बता दूं कि 16 फरवरी शुक्रवार को ही अंबा प्रसाद, जो कि विधायक है बड़का गांव से, उनका जन्मदिन भी था और कांग्रेस के विधायकों ने जो है उनका जन्मदिन सेलिब्रेट किया, केक काटकर वो सेलिब्रेशन हुआ। उस अवसर पर अंबा प्रसाद के जो पिताजी हैं योगेंद्र साव, वो भी मौजूद रहे। केक वहां पर सजता है, वो केक काटती हैं। वहां पर इरफान अंसारी हैं जो गाने की एक दो पंक्तियां गुनगुनाते हैं और शुरुआत करते हैं, बार बार दिन ये आए, बार बार दिन ये आए। वहां पर और भी लोग हैं जो उनका साथ देते हैं, फिर तुम जियो हजारों साल, इस गाने के लिए एक पंक्ति जो है वो गाई जाती है और फिर अंबा प्रसाद जो है वो केक काटती है और केक काटने के बाद जो है वो केक का जो वो टुकड़ा है वो लेती हैं और सबसे पहले अपने पिताजी योगेंद्र साव को वो केक खिलाती हैं। इसके बाद जो है अन्य लोग भी जो है वो सामने आते हैं, उमा शंकर अकेला को उसके बाद वो केक खिलाती हैं। वहां पर दीपिका पांडे सिंह भी हैं, वो आती हैं, वो जो है अंबा प्रसाद को केक खिलाती हैं और अंबा प्रसाद उन्हें केक खिलाती हैं। शिल्पी नेहा तिर्की भी अंबा को केक खिलाती हैं और फिर अंबा उन्हें केक खिलाती हैं। अनूप सिंह हैं वहां पर, वो केक खिलाते हैं। तो एक खुशनुमा माहौल था ये यहाँ पर और इस तरह से जो है बर्थडे सेलिब्रेशन जो आप कह लीजिए कि अंबा प्रसाद का किया गया। लेकिन एक बात और है कि क्या ये सिर्फ बर्थडे सेलिब्रेशन भर था, या अगर आप देखेंगे कि जो वहां पर विधायक मौजूद थे, वो जो वहां पर थे वो विधायक थे जिन्हें मंत्री पद में जगह नहीं मिली है, तो क्या ये नाराज विधायकों का शक्ति प्रदर्शन तो नहीं था? अब ये उनका शक्ति प्रदर्शन था या सिर्फ अंबा प्रसाद का बर्थडे सेलिब्रेशन, ये कहना तो मुश्किल है। मुझे लगता है कि शायद ये दोनों चीजें थी। अंबा प्रसाद का बर्थडे भी सेलिब्रेट करना था और एक एकजुटता भी दिखाने की वहां पर आप कह सकते हैं कि ये बात थी। तो कुल मिलाकर यह है कि अंबा प्रसाद का जन्मदिन था, तो हम जो है न्यूज बाइस्कोप की तरफ से अंबा प्रसाद को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं और हम कामना करते हैं उनके उज्जवल भविष्य के लिए। अभी के लिए इतना ही, इजाजत दें, नमस्कार। बच्चों को दिला रही है क्वालिटी एजुकेशन, तो अब धनबाद से बाहर जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि धनबाद में ही खुल गया है डीवाई पाटिल इंटरनेशनल स्कूल, जहां लड़कियों से नहीं ली जाती है एडमिशन फी। साथ ही इस साल एडमिशन लेने वाले स्टूडेंट को जब तक वो स्कूल में पढ़ेंगे तब तक ट्यूशन फी में मिलेगी 20% की छूट। क्वालिटी फैकल्टी, स्टेम लैब, बिग प्ले ग्राउंड, बस फैसिलिटी, यानी कंप्लीट स्टूडेंट फ्रेंडली एनवायरमेंट। डीवाई पाटिल इंटरनेशनल स्कूल, कैलाशपुरम, नियर मेमको मोड, धनबाद।